क्रांति भाग 6। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या-क्या होता है। फिर यहाँ पे अब हम बात करेंगे महिलाओं का किस तरीके का योगदान था इस क्रांति में, महिलाओं के लिए क्रांति का क्या अर्थ था और इन लोगों के लिए क्या महत्व रहा था। महिलाएं फ्रांसीसी क्रांति की गतिविधियों में सक्रिय एक्टिव रूप में ये लोग भाग ले रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि क्रांतिकारी सरकार उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम लेगी। अधिकांश महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना से बेहद कम ही अवसर मिलते थे। महिलाओं ने अपने हितों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक क्लब शुरू किए, अखबार निकाले। उनकी एक प्रमुख मांग पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की थी। भाई पुरुषों को अगर वोट डालने का अधिकार है सभी पुरुषों को, तो वो मतलब राजनीतिक अधिकार क्या चाहती थी, इक्वल चाहती थी। 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। ये देखिए यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे एक्टिव सिटीजन ना देके इन्होंने क्या निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया। शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए थे। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया था। अब शादी को स्वैच्छिक अनुबंधन बनाया गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार था, ठीक है, कि तलाक कोई भी एक पर्सन इनिशिएट कर सकता है। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी, व्यवसाय चला सकती थी। लेकिन राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इनके नेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण थी ओलंप दिगूज। 1791 में इन्होंने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र की तर्ज पर महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करके उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेशनल कन्वेंशन के शासनकाल में ओलंप दे गुंज पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी दे दी गई। अतः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया, ठीक है, यानी कि उनको अधिकार यानी कि मत देने का, वोट डालने का अधिकार कब मिला, सन 1946 में। दास प्रथा और क्रांति। उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जेकोबियन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरेबियाई उपनिवेश तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करते थे। अपरिचित व दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा, मतलब वो नहीं जाना चाहते थे कि भाई हम दूसरे देश क्यों जाके काम करें। तो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, यानी कि दास लेके आए गए। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर अमेरिका से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से कि भाई इन लोगों को पैसा मिलता था दास व्यापारियों से, कि अगर मान लो जो दास इनको दास नहीं मिले तो काम कौन करेगा, क्योंकि इनके खुद के देश के लोग तो जाना नहीं चाहते हैं। तो दास व्यापार पर निर्भर थे, तो इसलिए इन लोगों ने दास प्रथा को लेके कोई खास कानून उन्होंने पारित नहीं किया। सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त का कानून पारित कर दिया था, यानी कि बाद में ये पारित हो जाता है। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का अनुमूलन कब हुआ, 1848 में किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो भी फ्रांस की जो कॉलोनी थी उनमें कब हुआ इसका, दास प्रथा खत्म कब हुई, 1848 में। अब फ्रांसीसी क्रांति ने विरासत में क्या दिया है, मुझे सबसे अच्छी लगती है फ्रांसीसी क्रांति इसलिए कि इसने लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी का आइडिया दिया है, स्वतंत्रता, जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति हुई, यानी कि होता क्या था, कोई फेस्टिवल वगैरह में कोई अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नरसैगिक अधिकार घोषित कर दिया कि भाई हमारी जो हम अभिव्यक्ति यानी कि अपना खुलकर कोई भी बात को व्यक्त कर सकते हैं। ये विचार फ्रांस से निकलकर बाकी दुनिया में फैले, बिल्कुल फैले। इनका कारण सामंती व्यवस्था का ना इन्हीं के कारण जो है सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। उपनिवेशिक समाज ने स्वतंत्रता के अपने आंदोलन में दासता से मुक्त के विचार को नई परिभाषा दी। तो बच्चों देखो ये थी हमारी आज की बकशीट, जिसमें देखा आपने क्या देखा, एक तो देखा कि महिलाओं ने क्या योगदान रहा, किस तरीके से शुरू में जो अधिकार थे उनको नहीं दिए गए थे बट बाद में उनको दे दिया गया था अधिकार। फिर दास प्रथा में क्यों, क्योंकि त्रिकोणीय दास व्यापार था तो व्यापारी दास के व्यापारी नाराज हो जाएंगे, इसलिए कोई शुरू में कानून पास नहीं किया गया। फिर
फिर जो दास प्रथा है थोड़ा मुक्त भी किया गया 1794 में, लेकिन फिर से जो नेपोलियन है वो आके दोबारा लगा देते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति देखो, हमें बहुत ही सारे आइडियाज़ मिले हैं जिससे पूरे देश को ही, पूरे जितने भी विश्व में देश है सबको प्रेरणा मिली थी। फ्रांसीसी महिलाओं के ये क्रांति का क्या अर्थ है, वह महत्व है। तो बच्चा देखो, मैंने इसमें कई सारे पॉइंट लिखे हैं, आपका मन करे तो सारे लिख देना, ज़रूरी था लिखना, अदरवाइज एक दो पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो चाहो तो। महिलाओं ने फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप, पहला पॉइंट आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अपने हितों की चर्चा करने के लिए उन्होंने राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले, ठीक है। उन्होंने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी। शुरू में क्रांतिकारी, ये तीन पॉइंट, शुरू में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ कानून लगाए, लागू किए, जैसे स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना देना, शिक्षा को स्वैच्छिक अनुबंधन बनाया गया, तलाक को कानून रूप देकर महिला पुरुष दोनों को इसकी अर्जी देने का अधिकार था। लेकिन 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। तो आप ये चार पॉइंट लिख सकते हैं, अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं एक दो पॉइंट को, ठीक है। बट मैं तो यही कहूँगी कि मत छोड़ना, क्योंकि उसका उससे आंसर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का क्या महत्व रहा है। फ्रांस की राजनीति और व्यापार में दासों का काफ़ी महत्व था। फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीका से दासों को खरीदते थे, उन्हें यूरोप और अमेरिका ले जाकर बागान मालिकों को बेचते थे। इसी दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजार में तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं की कृषि और व्यापार किया जाता था। उस समय दास व्यापारी इतने प्रभावशाली थे कि उनके डर से फ्रांस की नेशनल असेंबली में भी कानून पारित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे यहाँ से ही आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट था ये तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन कौन से कानून बने जिनसे आम लोगों को का जीवन प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद कई ऐसे कानून बने जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सेंसरशिप की समाप्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण और विवेक की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित किया जाना, ये कुछ बहुत ही अच्छे जो कानून थे जो पास किए गए थे। फ्रांसीसी क्रांति के उन विचारों की सूची बनाइए जिनके प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार, जनवादी अधिकारों का विचार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि ऐसे विचार हैं जो फ्रांसीसी क्रांति ने दिए और जिनका प्रभाव हम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सबको आज़ादी अच्छी लगती है, सबको ही मित्रता भी अच्छी लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का टारगेट, लाइक्स का टारगेट रख लेते हैं 1500 लाइक्स। एंड अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि हम जल्दी ही 100K के क्लब में शामिल हों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।